केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। दिल्ली की युवती से होटल क्रोम में बलात्कार करने के आरोप में मेरठ के पूर्व सांसद व पूर्व मेयर आदि शाहिद अखलाक के बेटे दानिश अखलाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीट व्यवसाय व बसपा से जुड़े शाहिद अखलाक परिवार पर पुलिस हमेशा ऑफिशियल हाथ डालने से बचती रही है, लेकिन जब दबाव लखनऊ से हुआ तो जो मेरठ पुलिस दानिश अखलाक को क्लीन चिट देने की जुगत में लगी थी, न सिर्फ देर शाम उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी न करने पड़े इसके लिए निचले स्तर पर पुलिस में भी काफी प्रयास किए गए। पहले सुनिए मेरठ के तेज तर्रार एसपी सिटी पीयूष सिंह को, जिन्होंने पीड़िता की इस शिकायत पर कि उसके साथ शाहिद अखलाक के बेटे दानिश ने रेप किया है, क्या कहा। इस तरह से कोई आरोप नहीं है कि पूर्व सांसद के बेटे, एक महिला लड़की जो है एसएसपी ऑफिस में आई थी, उसने एक एप्लीकेशन ली और उसमें उसने एक आईडी बताई है, उस आईडी के ऊपर जो है एलिगेशन लगाया गया है। उस आईडी की पहचान के लिए इस एप्लीकेशन को साइबर सेल रेफर किया गया है और इसकी साइबर सेल से रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में वह यह बात एक सिरे से नकार रहे हैं कि यह मामला शाहिद अखलाक के बेटे दानिश पर रेप के आरोप से जुड़ा है। लव जिहाद वह बेहद संवेदनशील मामला होने के बावजूद एसपी सिटी पीयूष सिंह ने सारा प्रकरण एक आईडी की जांच पर केंद्रित बताया। इस बेहद संवेदनशील मामले की गूंज जब लखनऊ तक पहुंची तो पुलिस की जांच व रुख दोनों ही बदल गया। अब सुनिए व देखिए एसपी सिटी पीयूष सिंह के बदले हुए बयान। एसएसपी ऑफिस में एक लड़की ने आके एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें उसके द्वारा यह अंकित किया गया था कि उसकी इंस्टाग्राम पे एक लड़के से दोस्ती हुई, उसके बाद नंबर का एक्सचेंज हुए और उसके बाद उस लड़के ने उसको शादी का झांसा देकर बर्तापुर बाईपास पर स्थित एक होटल में बुलाया जहां उसके साथ रिलेशनशिप बनाया। इसके बाद लड़की की जानकारी माता है कि वो पहले से शादीशुदा है। इस प्रकार उसने इस तरह के एलिगेशन लगाए जिसके द्वारा अपने को सिंगल होने का झांसा देकर झूठ बोलकर शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ संबंध बनाए गए। इस प्रार्थना पत्र में जो नंबर अंकित किया गया था उसकी आईडी किसी और लड़के के नाम से थी, इसलिए एसएसपी सर के द्वारा इस प्रार्थना पत्र की जांच साइबर सेल को दी गई। साइबर सेल के द्वारा पूरे इंस्टाग्राम की डिटेल, मोबाइल नंबर्स की डिटेल, लोकेशन आदि के आधार पर जब इस फैक्ट को प्रूव कर दिया गया कि आरोपी का नाम दानिश है, इसके तत्काल बाद थाना प्रतापपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का बयान 161 सीआरपीसी के अंतर्गत कराया जा चुका है, मेडिकल की कार्रवाई चल रही है, आरोपी युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई निर्धारित एसओपी के अनुसार इन्वेस्टिगेशन के जो पॉइंट्स हैं, होटल में सीसीटीवी फुटेज है नहीं है, डिलीट की गई है या रहती ही नहीं है, ये सारे पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं जिसको हम इन ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने इन्वेस्टिगेशन और केस डायरी में एकोमोडेट करेंगे। इस स्टेज पे मीडिया के सामने हम इसको अभी डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे और चूंकि प्रकरण एक लड़की से संबंधित है इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड इश्यूज को शेयर भी नहीं करेंगे। आज फर्स्ट बाइट रिपोर्टर जिया उस होटल पहुंची जहां पर दानिश अखलाक ने युवती से रेप किया था। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के होटल क्रोम में जहाँ पर दुष्कर्म हुआ था। दिल्ली की एक हिंदू युवती ने बसपा के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश अखलाक पर आरोप लगाया है कि उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया है इसी होटल में। पूछताछ के बाद होटल वालों का कहना है कि उनके डीवीआर में सिर्फ दो दिन का ही बैकअप रहता है। हालांकि पुलिस की जांच पड़ताल के बाद दोनों की लोकेशन एक ही जगह की पाई गई थी। इस बीच दानिश अखलाक को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। रिपोर्ट दर्ज होने में मामला लव जिहाद से जुड़ा होने के कारण बात लखनऊ तक पहुंचने के बाद पुलिस का रुख बदला और दानिश अखलाक को कोतवाली से गिरफ्तार कर प्रतापपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला क्रोम होटल का होने के कारण पीड़ित युवती की रिपोर्ट भी प्रतापपुर थाने में दर्ज है। कोतवाली पुलिस किस तरह अखलाक परिवार से प्रभावित रहती है इसका नमूना भर है बीती रात 1:23 की वह घटना
जब दानिश अखलाक को उसका बड़ा भाई साकिब कोतवाली थाने लेकर थार से पहुंचा था। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन जैसे ही थार वहां रुकी कोतवाली में वो अंधेरा छा गया, लाइट बंद हो गई थी। इस अंधेरे में ही दानिश को कोतवाली के भीतर छोड़कर साकिब बाहर आ गया। सुबह दानिश अखलाक को पर्दा उठाने भेज दिया गया। अब देखें दानिश की गिरफ्तारी कैसे। इससे पूर्व शाकिब ने चुनिंदा मीडिया के सामने बताया था कि युवती उसके भाई को हनी ट्रैप में फंसा रही। शाकिब ने स्वीकार किया कि दानिश युवती से होटल क्रो में मिला था। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टॉकिंग। नमस्कार।